हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वह कभी दरिद्र गरीब नहीं रहता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने पर भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं। इसे जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, जो भी मनुष्य केवल इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के महात्म की कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पूर्वकाल की बात है, अवंतीपुरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला तथा अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे काम करने में लगा रहता था। वह चोरी, वेश्या, गमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी पुण्य के काम नहीं किए, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाकर रहता था। वह दिन में धन कमाता और रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिताता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी धनेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने में व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं लिया और न कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे अनेक वर्ष बीत गए। फिर वह धनेश्वर ब्राह्मण खरीदी बिक्री करने के लिए माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचता है। उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती है। उस स्थान पर उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते हैं। फिर वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे के एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मग्न रहते थे। वह पाखंडी धनेश भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिलता था। वह उस स्थान पर एक महीने तक रुका। फिर वहां पर आए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता रहता था। फिर एक दिन वह आश्रम में सोया हुआ था, तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यम लोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यम लोक लेकर जा रहे हैं।
वहाँ पर यमराज तेरे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे वे नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा सी भी दया नहीं आई और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने पहुंच गए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है, यह तो मूर्तिमान पाप ही है। इसे कल्प भर के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नामक नरक में डाल दो। यमराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मुदगर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभी पाक नामक नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा, वह तेल एकदम से ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उसके दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने कितने ही पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था, वे सभी उस खोलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गिरा, वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्य को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है, इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक में डालने के लिए कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया, नरक की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी ठंडा पड़ गया। फिर यमराज कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद पधारते हैं। देवर्षि नारद को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ चुकी है और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। तब देवर्षि नारद यमराज से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डाला है, वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है, उसे उनके पुण्य का भाग अवश्य मिलता है, और यह ब्राह्मण तो एक महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए यह बहुत बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब विश्व लोक जाने का अधिकार बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर में मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के ये इसे केवल इतना दंड दो, इसे नरक लोक का दर्शन कराओ। देवर्षि की बात सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं, हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और यक्ष लोक में ले जाते हैं और फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका प्रिय है, इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है।
भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे पाप माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए। अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल ना दे। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े। इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी रखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा।
शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है। शालिग्राम की पूजा करना, शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया है और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय माँ तुलसी जरूर लिखें। आपसे विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।